लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में राजमहल सीट के लिए 1 जून को मतदान होना है। साहिबगंज जिले के राजमहल, बोरियो और बहेड़ विधानसभा में 1006 मतदान केंद्र हैं, जिन पर 10,000 से ज्यादा मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जिसको लेकर मतदान कर्मियों को उनके बूथों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कहा कि विधानसभा वार पंडाल की व्यवस्था की गई है। बूथ के अनुसार टेबल पर मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री एक ही टेबल पर उपलब्ध कराई जा रही है। तीन पृथक पंडाल लगाए, बोरी राजमहल का अलग पंडाल, बनेट का अलग पंडाल। तीनों पंडालों में टेबल कुर्सी के पास ही उनका सारा ईवीएम, वीवीपैट, उसके अलावा सारा मटेरियल रखवाया गया है। कार्मिक पोषांग के लोग वही मटेरियल दे रहे हैं। हमारी पोलिंग पार्टी को किसी भी तरह के इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना आ रहे हैं, बैठ सामग्री रिसीव कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं और चले जा रहे हैं।